नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में बीजेपी के विधायक नोकशम चौधरी ने इस्तीफे की धमकी देकर पार्टी को सदमे में डाल दिया है। दरअसल डीग जिले के गामा में असामाजिक तत्वों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर देने से नाराज जाटव समाज के लोगों ने अंबेडकर पार्क पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही अंबेडकर सर्किल के सामने टायर जलाकर अवरोध डालकर जाम भी लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने की मांग की है। किरोड़ी लाल मीणा ने भी मंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। पार्टी आलाकमान ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, इसके बावजूद वे इस्तीफा नहीं लेने पर अड़े हुए हैं। सूचना मिलने पर कामा विधायक नोकशम चौधरी पहाड़ी क्षेत्र के दौरे को छोड़कर कामा पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि ये घटना शर्मनाक व निंदनीय है और इस कृत्य को करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस की ओर से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक कार्रवाई नहीं की गई तो मैं भी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही नई प्रतिमा लगाने का कार्य किया जाएगा। सूचना मिलने पर कामा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जाटव समाज के लोगों से समझाइश की कोशिश करी, लेकिन गुस्साए लोगों ने प्रशासन की नहीं सुनी और पार्क में ही समाज के लोग धरने पर बैठ गए। इस मामले को तूल पकड़ता देखकर आस पड़ोस के दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके घर चले गए। बीती रात को कस्बा के जुरहरा रोड पर अंबेडकर सर्किल स्थित पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के दाहिनी हाथ के पंजे को किसी असामाजिक तत्वों ने खंडित कर देने की सूचना सुबह जब जाटव समाज के लोगों को मिली तो समाज के लोग आक्रोश में फैल गए हैं। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष अंबेडकर पार्क पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।